नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के परासिया में रेलवे पुल पिपरिया रोड में लगा रहता है जाम। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के परासिया में रेलवे पुल पिपरिया रोड पर जाम की स्थिति बनी रहती है। इस ओर ना तो स्थानीय प्रशासन और ना ही रेलवे विभाग कोई ध्यान दे रहा है। बता दें कि परासिया की दुकान पर भी आग लग गई और आग में नुकसान को देखने पहुंचे विधायक सोहनलाल वाल्मीकि ने फोन लगाकर प्रशासन से मुआवजे की बात की। वहीं विधायक सोहनलाल वाल्मीकि रेलवे पुल के दोनों ओर रेलवे द्वारा रेल की पटरी लगाकर गेट भी लगाया गया है। आज भी एक बस चालक ने पुल के नीचे से बस निकालने का प्रयास किया और बस नहीं निकली और रेलवे पुल के दोनों ओर जाम लग गया। आने जाने वाले छोटे बड़े वाहन घंटों खड़े रहे। वहीं जाम में परासिया विधायक सोहनलाल वाल्मीकि की गाड़ी भी फंस गई और स्थानीय प्रशासन और रेलवे विभाग से निवेदन किया कि पिपरिया रोड रेलवे पुल के पास एक ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे आवागमन में लोगों को समस्या ना हो। साथ में नगर पालिका सांसद प्रतिनिधि आशीष सिकंदरपुरे, गगन खंडूजा, रिम्पी खंडूजा, अकबर खान मौजूद थे। परासिया से जगदीश पाल की रिपोर्ट।